Hello students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, in today's class we will revise the chapter first of part first book. Okay, and the chapter name is Geography as a Discipline. Means अभी integrated subject means social studies का एक part पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ेंगे, एक अलग से सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे. ओके, सो खुद ज्योग्राफी एक अलग से सेपरेट सब्जेक्ट है, एंड इस सब्जेक्ट में हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो स्टडी एरिया है वो बहुत ज्यादा वास्ट है, उसमें और भी डिफरेंट सब्जेक्ट है, उनका मिक्सचर हमें देखने को मिलेगा. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू अवर टूडेज क्लास. सो अवर फर्स्ट टॉपिक इज वाई शुड वी स्टडी ज्योग्राफी. हम ज्योग्राफी क्यों पढ़ते हैं? जस्ट बिकॉज आपसे पूछा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमें मार्क्स अच्छे चाहिए एग्जाम में, इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी की. बट ज्योग्राफी की स्टडी भी क्यों की जाती है, मतलब ज्योग्राफी में हम जिन चीजों की स्टडी करते हैं वो हमारे लिए क्यों जरूरी है. सो फर्स्ट इज वी लिव ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, मीन्स हम सरफेस ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग. हम अर्थ की स्टडी कर रहे हैं, अर्थ से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट है उसको हम स्टडी करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज हम रहते हैं अर्थ पर. ओके, हम रहते हैं अर्थ पर, इसलिए हमें अर्थ के बारे में जानना जरूरी है. सेकेंड इज आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय अवर सराउंडिंग. हमारे आसपास में जो भी कुछ हो रहा है, सपोज विंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं या रेनफॉल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे आसपास में जो भी कुछ हो रहा है वो हम उससे इफेक्ट होते हैं. मीन्स अगर हम पॉल्यूशन ले लीजिए, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उससे हम इफेक्ट हो रहे हैं, तो हम पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं ज्योग्राफी में. ओके, सो हम हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उससे इफेक्ट होते हैं, इसलिए हम ज्योग्राफी रीड कर रहे हैं. वी आर डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स जो नेचर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, जो रिसोर्सेज, उनकी स्टडी हम ज्योग्राफी में करते हैं. क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्स. हम नेचुरल रिसोर्स पर पूरी तरह से डिपेंड है, इसलिए उनकी स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सपोज फॉरेस्ट के बारे में या वॉटर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, कहाँ पर कितना वॉटर है, वॉटर का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे वॉटर गेट कंटेमिनेटेड, तो ये सारी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. टू नो अबाउट ऑल द फिनोमिना विच वेरी अवर स्पेस. हम सपोज हम एक जगह पर रह रहे हैं, जैसे प्लेन्स में हम रह रहे हैं, तो हिली एरियाज के बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि हम हिली एरिया से किस तरह से डिफरेंट है. या आप हिली एरिया में रह रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि प्लेन्स में रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से उनकी लाइफ है वो बिल्कुल डिफरेंट है. ड्यू टू रिलीफ फीचर हिली है हमारा, वहां पर प्लेन्स है, तो कैसे लोग वहां पर रहते हैं, तो एक प्लेस दूसरे प्लेस से किस फॉर्म में डिफरेंट है, उसके पीछे का जो फिनोमिना है उसको जानना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट इज टू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड्स एंड पीपल. डिफरेंट टाइप के लैंड्स एंड डिफरेंट टाइप के पीपल्स, डाइवर्स कल्चर के जो पीपल हैं, उनके बारे में स्टडी करना जरूरी है. ओके, हम अर्थ पर रह रहे हैं तो हमें ये भी पता है कि हर जगह पर एक जैसा रिलीफ नहीं है या एक जैसे कल्चर के लोग नहीं रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कहीं पर ट्राइबल पीपल रहते हैं फॉरेस्ट में, तो उनकी लाइफ और हमारी लाइफ कैसे डिफरेंट है, ये सारी स्टडी किसमें की जाती है? ज्योग्राफी में. टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं टेकन प्लेस ओवर टाइम. सपोज हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कॉन्टिनेंट कैसे बने या ओशन कैसे बने, क्योंकि पहले ऐसे अर्थ नहीं थी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि धीरे धीरे टाइम चेंज होता हुआ चला गया. ह्यूमन बींग को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया, ह्यूमन बींग में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सारे जो चेंजेस हुए हैं एक टाइम पीरियड में, उनके स्टडी करने के लिए हम ज्योग्राफी रीड करते हैं. वॉल्केनो इरप्शन क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों आता है, हम उससे इफेक्ट होते हैं, हम सारे फिनोमिना जानते हैं, वो सारे फिनोमिना है उनकी स्टडी हम करते हैं ज्योग्राफी में. ओके, नेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप एंड हैव अ विजुअलाइज सेंस ऑफ द अर्थ सरफेस. अब हम लोग सभी स्पेस में जाकर के अर्थ को नहीं देख सकते हैं, इसलिए अर्थ को समझने के लिए हमने ग्लोब बनाए कि ग्लोब लुक लाइक्स अ मॉडल ऑफ अर्थ. ग्लोब है वो मॉडल है अर्थ का, तो ऐसी अर्थ हमारी दिखती है. ग्लोब को भी हमने एक मैप का फॉर्म दे दिया, एक मैप बना करके हमने एक स्केच बना लिया रफ कि हमारे अर्थ में ये प्लेसेस है, ये यहाँ पर है. सो उसको एक विजुअलाइज फॉर्म देने के लिए, ताकि हम
जान सके कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कितना लैंडमास है हमारे अर्थ पर, या हमारे जो कंट्री वो कहाँ एग्जिस्ट करती है, उसको हम मैप के फॉर्म में भी स्टडी करते हैं. ओके, सो दीज आर द पॉइंट व्हाई वी शुड रीड द स्टडी. हमें क्यों, व्हाई वी रीड द ज्योग्राफी, हम क्यों ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. ओके, सो व्हाट इज ज्योग्राफी. ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. अर्थ के बारे में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, अर्थ का हम जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, जो भी वर्णन कर रहे हैं, दैट इज द ज्योग्राफी. सो फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट मीन्स अर्थ से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में. ओके, इट वॉज द वर्ड ज्योग्राफी वॉज फर्स्टली यूज बाय अ ग्रीक स्कॉलर. ग्रीक स्कॉलर थे एरोटेस्थनीज. इन्होंने 234 बीसी में एक टर्म यूज करा था ज्योग्राफी, जो कि टू ग्रीक वर्ड से ही मिलकर बना था. ग्रीक वर्ड थे टू, जियो प्लस ग्राफोज. ओके, हियर जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन, टू डिस्क्राइब. अर्थ के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करना ही क्या है, ज्योग्राफी है. ओके, सो इस वर्ड को यूज करने वाले सबसे पहले पर्सन कौन थे, एरोटेस्थनीज कौन थे, एक ग्रीक स्कॉलर थे. और इन्होंने जो वर्ड यूज करा ज्योग्राफी, वो टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना था. ग्रीक वर्ड थे टू, जियो प्लस ग्राफोस. ओके, टू डिस्क्राइब द अर्थ, टू स्टडी द अर्थ. आप यहां पर टू स्टडी भी लिख सकते हैं, स्टडी करना, डिस्क्राइब करना अर्थ के बारे में, दैट इज द ज्योग्राफी. ओके, सो व्हाट आर द स्टडी एरिया ऑफ ज्योग्राफी. ज्योग्राफी एरिया में हम क्या स्टडी करते हैं. सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइंस, सब्जेक्ट एंड मेथोडोलॉजी. ज्योग्राफी के जो सब्जेक्ट है एंड जो मेथोडोलॉजी है, जैसे पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी को, वो रिलेट करती है साइंस से. ये मतलब मींस इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस. साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, कॉज एंड रिजल्ट पढ़ते हैं. किसी भी चीज का कॉज, कॉज क्या है एंड उसके रिजल्ट क्या है. सो कॉज एंड रिजल्ट भी स्टडी इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में भी हम कॉज एंड रिजल्ट के बारे में पढ़ते हैं. इट मीन्स ज्योग्राफी इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ साइंसेस का मिक्सचर है ज्योग्राफी. सो एक ज्योग्राफर है वो वेरिएशंस के बारे में पढ़ता है, लेकिन ये भी पढ़ता है कि ये वेरिएशंस क्यों है. मीन्स अगर आपको ये बोला जाए कहीं पर प्लेन है, कहीं पर प्लेट्यू है एंड कहीं पर माउंटेन रीजन है, सो ऐसा क्यों है. तो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी कि जो प्लेट्स टेक्टोनिक मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से न्यू फोल्डिंग माउंटेन्स बन रहे हैं. ओके, सो हम अर्थ सर्फेस के बारे में सब कुछ रीड करते हैं कि वेरिएशंस एक जगह दूसरी जगह से डिफरेंट है. ओके, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है, क्यों है इतनी वेरिएशंस, उसकी स्टडी भी करता है ज्योग्राफर. ओके, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी. हमने ज्योग्राफी को इजी बनाने के लिए इसको कैटेगराइज कर दिया टू पार्ट्स में. एक में हमने फिजिकल एलिमेंट्स की स्टडी करी एंड दूसरे में हमने ह्यूमन बींग्स की. ऐसा नहीं है कि हमारे जो एनवायरमेंट है उस पर हम फिजिकल फीचर्स के बारे में ही रीड करेंगे, फिजिकल एनवायरमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. सारे जो फिजिकल एलिमेंट है, सॉइल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाटर के बारे में, एयर के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ये फिजिकल एनवायरमेंट है, इनकी स्टडी नहीं करेंगे, बल्कि ह्यूमन बींग पर इनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है एंड ह्यूमन बींग किस तरह से इनको मॉडिफाई करता है, इनमें चेंजेस लाता है. ओके, सो फिजिकल फीचर्स में हम फिजिकल एलिमेंट्स का, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन बींग के बारे में टोटली, कि ह्यूमन सेटलमेंट कहां पर है, पॉपुलेशन कैसे चेंज हो रही है, माइग्रेशन क्यों हो रहा है, ये सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, इकोनॉमी क्या है, ह्यूमन बींग कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, तो इसमें ह्यूमन बींग के बारे में स्टडी करते हैं. एंड इसमें हम फिजिकल फीचर्स या फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में, फिजिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट इज चेंज इज द रिजल्ट ऑफ. चेंज क्यों हो रहा है, एक तो हमारी अर्थ है वो एवर चेंजिंग, मतलब अगर हम मिलियंस ऑफ इयर्स की अगर बैक की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि अर्थ है वो चेंज होती हुई आ रही है. एंड एवर एक्टिव ह्यूमन, एंड ह्यूमन बींग इज ऑल्सो एक्टिव. तो दोनों ही क्या है, डायनामिक है, स्टेबल नहीं है कि एक जगह पर स्टेबल है, डायनामिक, इनमें चेंजेस आते जा रहे हैं. तो इन चेंजेस को ही पढ़ना है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट एरिया है. तो ह्यूमन बींग क्या चेंज कर रहा है एंड अर्थ है वो कैसे चेंज हो रही है, इनकी स्टडी करना ही क्या है, ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है. ओके, सो अगर हम बात करें प्रिमिटिव सोसाइटी की एंड मॉडर्न सोसाइटी की, पहले की प्रिमिटिव सोसाइटी में जो ह्यूमन बींग था
वो पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड था, वो नेचर की वर्शिप करता था, हर चीज के लिए नेचर के ऊपर डिपेंड था, ओके, डरता था नेचर से, प्रिमिटिव मैन की बात हो रही है। तो इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग, ओके, या एनवायरमेंटलिज्म। ये एनवायरमेंटलिज्म था, मींस यहां पर ज्यादा पावरफुल कौन थे, नेचर थे, ठीक है, तो ह्यूमन बींग का नेचुरलाइजेशन हो गया। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो ह्यूमन बींग है उसके पास में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, साइंस, ठीक है, न्यू इन्वेंशन करने लगा, तो अब ह्यूमन बींग है उसके पास में टेक्नोलॉजी आ गई, अब उसने नेचर को कॉन्क्वर करना स्टार्ट कर दिया, नेचर के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। इस पीरियड को बोला जाता है पॉसिबिलिज्म। सो जब नेचर पावरफुल है दैट इज एनवायरमेंटलिज्म, एंड जब ह्यूमन बींग ज्यादा पावरफुल हो गया नेचर से, दैट इज कॉल्ड द पॉसिबिलिज्म, कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमने अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है तो हमने जो एसी है उनका इन्वेंशन कर लिया, एसी को हम यूज कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे, या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन नेचर के वो कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं, रिजल्ट है वो नेगेटिव होते हैं, ओके। सो ज्योग्राफी में हम नेचर पावरफुल है एक फेज ऐसा आता है उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में सेकेंड फेज जब टेक्निक्स बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ह्यूमन बींग ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है, उसको हम यहां पर स्टडी कर रहे हैं, ओके। सो ज्योग्राफी में थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चन बोला जाता है कि बिकॉज दिस इज अ साइंस, ज्योग्राफी इज अ साइंस, लाइक अ साइंस सब्जेक्ट, साइंस की एक पार्ट है ज्योग्राफी भी, जिसमें हम थ्री क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ठीक है। सो सपोज आपने कहीं पर माउंटेन देखा तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज दिस, सबसे पहले व्हाट, क्या है ये, उसके बाद में वेयर, क्या ये माउंटेन यहीं पर भी है या और भी किसी जगह पर ऐसे माउंटेन है, ओके। एंड लास्ट वन इज व्हाई, कि इनकी फॉर्मेशन ही क्यों हुई, हम तो प्लेन्स में रहते हैं तो यहां पर हमने माउंटेन देखा है इस रीजन में, तो यहां पर माउंटेन क्यों है, ठीक है। सो व्हाट, वेयर एंड व्हाई, दीज आर द थ्री सेट्स ऑफ क्वेश्चन वी डिस्कस इन द ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी में इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ओके। सो ज्योग्राफी का जो स्टडी एरिया है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा वास्ट है, क्योंकि और भी अदर सब्जेक्ट्स, अदर साइंस है उससे रिलेटेड है। सो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके जो स्टडी में, उनके जो स्टडी एरियाज हैं वो भी इंक्लूड है ज्योग्राफी में। जैसे नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, एंड फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। सोशल साइंस में हम सोसाइटी एंड ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ते हैं, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में भी हम ह्यूमन बींग के बारे में ही स्टडी करते हैं। रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हिस्ट्री में हम पास्ट के जो इवेंट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं, बट ज्योग्राफी में भी जो पास्ट के इवेंट्स हैं उनकी स्टडी करी जाती है। मतलब कुछ भी, अगर कोई भी वॉर हो रही है या कोई भी नेचुरल फिजिकल फीचर है वो बन रहा है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वो पास्ट के जितने भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं उनकी स्टडी भी हम ज्योग्राफी में करते हैं। सो जैसे हिमालय है वो एक बैरियर का, सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आती है उसके लिए एक हिमालय रीजन है, वो एरियर बना हुआ है। अगर हिमालय रीजन नहीं होता तो इंडिया का जो सेंट्रल पार्ट है वहां पर भी स्नोफॉल हो रही होती, मतलब इतनी ज्यादा कोल्ड विंड्स है वो आ सकती थी, तो एक बैरियर का काम तो कर रहा है वो, एज अ वेदर को चेंज उसने कर दिया है। बट उसके अलावा जो हिमालय माउंटेन्स में जो पासेज हैं, बीच में जो रस्ते हैं, उसके थ्रू सेंट्रल एशिया से इन्वेडर्स, जो दूसरी कंट्री को इन्वेड करने के लिए जाते हैं, एंड माइग्रेंट्स हैं, लोगों का मूवमेंट हुआ था इन पासेस के थ्रू, तो हम सारे एस्पेक्ट रीड करते हैं। एक तो हमने ये भी देखा कि कैसे हमारे फिजिकल एनवायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है हिमालय, और दूसरा हमने देखा कि लोगों की सोशल लाइफ को भी इफेक्ट कर रहा है, माइग्रेशन हुआ है, जो व्यूज है, आइडियाज है, या कोई भी कॉमोडिटीज है वो इंटरचेंज हुई है। एंड सी रूट, ऐसे ही सी रूट के बारे में भी हम जब स्टडी करते हैं, तो सी के बारे में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो सी रूट्स एंड दैट्स आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि सी रूट के थ्रू ही हम साउथ ईस्ट एशिया, यूरोपियन, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड एशियन कंट्रीज के साथ में कॉन्टेक्ट में हैं सी रूट के थ्रू। तो सी रूट, हिमालयन माउंटेन, ये फिजिकल फीचर्स में आ गए, हम फिजिकल फीचर के जितने स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम हिस्टोरिकल मोमेंट्स, हिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर सोसाइटी, ह्यूमन बींग की स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पर नेचुरल साइंस, नेचर की स्टडी कर रहे हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में कोई हमारे पास में लिमिटेड सिलेबस नहीं है, बल्कि डिफरेंट टाइप के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका जो एरिया है, स्टडी एरिया है, उसको हम इंक्लूड करते हैं ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द नेचुरल साइंस, जो नेचुरल साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वही फिजिकल ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स हैं। कैसे, देखिए,
फिजिकल ज्योग्राफी में हम मेट्रोलॉजी क्लाइमेट्स एंड वेदर के बारे में, हाइड्रोलॉजी वाटर के बारे में, पैडोलॉजी मीन्स हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स डिफरेंट रिलीफ फीचर्स हैं, प्लेन प्लेटी माउंटेन्स क्यों है, वोल्केनो इरप्शन अर्थक्वेक जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस है उनके बारे में स्टडी करते हैं, ओशनोग्राफी में हम ओशंस की स्टडी करते हैं। सो दीज आर द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम ये सब स्टडी करते हैं एंड इन सब की स्टडी हम नेचुरल साइंस में, बिकॉज दीज आर नेचुरल थिंग्स, ये नेचुरल थिंग्स है तो इनकी हम नेचुरल साइंस में भी स्टडी करते हैं। सो नेचुरल साइंस से रिलेटेड है फिजिकल ज्योग्राफी। ऐसे ही बायो ज्योग्राफी में हम जूलॉजी, एनिमल्स एंड बॉटनी जो प्लांट्स हैं उनके स्टडी करते हैं एंड इकोसिस्टम के बारे में भी हम पढ़ते हैं बायो ज्योग्राफी में। सो बायोलॉजी इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, तो बायोलॉजी में भी हम इन्हीं एस्पेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी, मीन्स मैप की स्टडी करना, मैप ड्रॉ करना, मैप का एनालिसिस करना। सो जो मैप ड्रॉ करना एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जितना भी डाटा एनालाइज है हमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की जरूरत होती है कैलकुलेशन की। सो मैथ से भी रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है आपसे कैसे है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में हम एक तो कार्टोग्राफी एंड उसके बाद में डाटा एनालाइज या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स उनका यूज करते हैं। सो हमें कहते हैं कि मैथ से रिलेटेड है, जो कैलकुलेशंस होती है वो मैथ से रिलेटेड है। ऑल्सो रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस, दैट इज बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ओके, ज्योग्राफी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द सोशल साइंस। सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हम जो अलग अलग पार्ट पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ओके, उनसे भी रिलेटेड है। सो हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, जो हम पास्ट के इवेंट्स होते हैं या प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग उसके बारे में भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। सो ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री इज द मदर ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की मदर ब्रांच है। मतलब कुछ भी हमें पढ़ना होता है तो हम पास्ट से उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिनेंट है वो पास्ट में कैसे थे, या फिर आज जहां पर हिमालयन माउंटेन है वहां पर कैसा फिजिकल फीचर हुआ करते थे। सो हम पास्ट के इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में हम पॉलिटिकल से भी रिलेटेड करते हैं ज्योग्राफी को, बिकॉज पॉलिटिकल में हम लोगों की सिविक्स के बारे में, लोग जैसे हम किसी भी नेबरिंग कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ रहे हैं, टेरिटरीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सब भी हम पॉलिटिकल में पढ़ते हैं एंड ज्योग्राफी में भी हम इनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से कैसे रिलेटेड है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप की जो वेरियस एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, एंड ज्योग्राफी में भी हम ह्यूमन बींग कहां से इफेक्ट होता है, कौन से वो ऑक्यूपेशन करता है, कौन सी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब कुछ हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में भी। एंड डेमोग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है या डेंसिटी है वो सब कुछ स्टडी करते हैं। सो वी कैन से दैट ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द सोशल साइंस ऑल्सो। सो ज्योग्राफी की स्टडी करने के लिए टू अप्रोचेज आर द मेन। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक अप्रोच, टू अप्रोचेज से हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी की। सो फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एंड सेकेंड वन इज रीजनल अप्रोच। सो सिस्टमैटिक अप्रोच में मतलब हमने सपोज करिए एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं कि पूरे इंडिया में हमने सॉइल के बारे में पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं हम पूरे। सो पूरे इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनमें कौन सी सॉइल मिल रही है वो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक अप्रोच। ओके, हमने इन्हें पूरा रीजन ले लिया, पूरी कंट्री को इंक्लूड कर लिया और उसमें किसी एक एलिमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज सिस्टमैटिक अप्रोच। जबकि रीजनल अप्रोच में हम एक पर्टिकुलर स्टेट है उसको, सपोज करें हमने राजस्थान ले लिया और उसमें राजस्थान में हम वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में, क्लाइमेट के बारे में सारे एलिमेंट्स की स्टडी कर रहे हैं। तो रीजनल अप्रोच में एक पर्टिकुलर रीजन के सभी एलिमेंट्स की स्टडी करी जाती है, जबकि सिस्टमैटिक अप्रोच में एक सिस्टम से कि पहले एक एलिमेंट की स्टडी करेंगे पूरे इंडिया के रिगार्डिंग में, उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे कि वाटर के बारे में पढ़ रहे हैं कि पूरे इंडिया में वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है। तो दैट इज द सिस्टमैटिक अप्रोच एंड दिस इज द रीजनल अप्रोच। काफी सिंपल है, सिस्टमैटिक में हमने एक एलिमेंट लेकर के और पूरे एरिया की स्टडी करनी है, जबकि रीजनल अप्रोच में हमने पर्टिकुलर कोई एरिया, पर्टिकुलर कोई रीजन लेकर के और एक और उसके सभी एलिमेंट्स की स्टडी करनी है उसमें। ओके, सो ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की ब्रांचेस एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ब्रांचेस है ज्योग्राफी की कैसे हैं, देखिए फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, रिलीफ फीचर्स के बारे में, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी हम क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजी वाटर के बारे में, एंड सॉइल ज्योग्राफी में हम सॉइल की स्टडी करते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम ह्यूमन बींग की सोशल लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन
एंड सेटलमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में. सो ह्यूमन बींग की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल पास्ट के बारे में पढ़ते हैं एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं. सो ये ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं. बायोजोग्राफी में हम जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में, प्लांट जियो में, प्लांट ज्योग्राफी में हम प्लांट्स के बारे में, बॉटनी जो भी एक साइंस का भी सब्जेक्ट है, इकोलॉजी की स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम की एंड एनवायरमेंट की भी स्टडी करते हैं इसमें बायोजोग्राफी में. ओके, सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच. सिस्टमैटिक अप्रोच के थ्रू क्या ब्रांचेस थे ज्योग्राफी के हमने पढ़ी है, तो अब रीजनल अप्रोचेस को बेस लेकर के जो ब्रांचेस है ज्योग्राफी के उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे. रीजनल स्टडीज, जो पर्टिकुलर रीजन है उनके बारे में स्टडी करते हैं, डिफरेंट एरियाज है उनको. उसके बाद में प्लानिंग, किसी भी एरिया में मतलब मीन्स रूरल एंड अर्बन एरिया में किस तरह से प्लानिंग करी जाती है. रीजनल डेवलपमेंट, टू रीजन उनको कंपेयर किया जाता है कि रीजनल डेवलपमेंट कहां पर हुआ है, कौन से एरिया में रीजनल डेवलपमेंट हुआ है. एंड रीजनल एनालिसिस, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को बेस लेकर के डिफरेंट रीजन है उनको एनालिसिस किया जाता है कि कौन से रीजन है अभी वो आगे बढ़ चुके हैं, कौन से रीजन में डेवलपमेंट करना बाकी है. सो ये हम मेनली जो पर्टिकुलर रीजन है, पर्टिकुलर एरियाज है, पर्टिकुलर स्टेट है, उनमें कैसे डेवलपमेंट होगी, कैसे प्लानिंग होगी एंड कैसे उनको कंपेयर करेंगे बाद में, इसकी स्टडी करते हैं रीजनल अप्रोच में. ओके, एंड अवर लास्ट टॉपिक इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इम्पोर्टेंस. फिजिकल ज्योग्राफी में हम फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं. सपोज दैट इज लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर जो हमारी अर्थ सर्फेस है उस पर जितना भी लैंड है दैट इज लिथोस्फेयर. सेकेंड इज हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर में जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ईच एंड एवरी वाटर बॉडी इज इंक्लूड इन द हाइड्रोस्फेयर. इज एटमोस्फेयर. एटमोस्फेयर में जितने भी हमारे एटमोस्फेयर के एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, सनलाइट, रेनफॉल, विंड्स, जितने भी एटमोस्फेयर के एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करी जाती है. और जहां पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वहां पर बन जाता है बायोस्फेयर. बायोस्फेयर, सो बायोस्फेयर ऐसी प्लेस है जहां पर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर तीनों ही, सो तीनों पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो है बायोस्फेयर. तो जो ह्यूमन बींग की जो लाइफ है वो किस पर डिपेंड करती है, बायोस्फेयर. जहां पर बायोस्फेयर होगा वहीं पर ह्यूमन बींग सर्वाइव कर पाएगा. इट मीन्स हम लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर को क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम बायोस्फेयर पढ़ रहे हैं, इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पर जो ह्यूमन बींग है वो सर्वाइव कर रहे हैं. सो फिजिकल ज्योग्राफी हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, सर्वाइव कर पा रहे हैं तब ये तीनों एस्पेक्ट्स है, तो इन तीनों एस्पेक्ट्स की स्टडी करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो फिजिकल ज्योग्राफी इज द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी. सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में जो टॉपिक थे मैं आज हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं. सो रीड दिस चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एंड रिवाइज ऑल द नोट्स एंड द गिवन क्वेश्चंस. आपको जो क्वेश्चंस राइट कराए गए हैं एंड जो नोट्स बनवाए गए हैं एक बार उनसे पढ़ के और फिर आप समझिएगा इस चैप्टर को. एंड डू योर रिविजन वर्क रेगुलरली. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. थैंक यू.